हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स. ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स के हमें क्या पढ़ने हैं? टॉप 10 क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं. ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस को आप किस तरह से स्टडी करेंगे वो हमें पढ़ना है. ठीक है, यानी टॉप 10 हमने यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिए हैं, उन प्रॉब्लम्स से आप कैसे डील करेंगे, कैसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको यहाँ पर लेनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें. ओके, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे टॉप 10 आपके CSIR नेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, गेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JAM 2022, इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MSc एंट्रेंस 2, तो MSc एंट्रेंस की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. वी आर ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन. ठीक है, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक बात बता दे रही हूँ आपको, जब भी आपको किसी का ऑर्डर निकालना होता है, किसी भी रिएक्शन में आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है. ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो आप उसमें सिंपली क्या करेंगे. ठीक है, तो आपको जो भी गिवन रिएक्शन होता है, जैसे आपको रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर गिवन है, R इज इक्वल टू में क्या गिवन है आपको, -dA/dt आपको यहाँ पर गिवन होता है. तो जो ये -dA/dt गिवन है इज इक्वल टू किसके गिवन है, kA का स्केयर आपको गिवन है, एंड देन बी रेज टू आपको क्या गिवन है, 3/2 आपको गिवन है, एंड द सी इज -1/2 आपको गिवन है. ठीक है, तो यहाँ में जो ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं और जो आपको रिएक्शन रिएक्शन देखो, सबसे पहले आपको क्या रिएक्शन दिया है, ए प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आपका बन रहा है. ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है और हमने क्या लिखा है, एक इक्वेशन लिखी है. दैट मीन्स जो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिएक्टेंट्स, तो ये आपके क्या रहेंगे, रिएक्टेंट्स रहेंगे. और जो आपके राइट साइड में होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हमेशा प्रोडक्ट, तो पी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स ए और बी और सी जो है आपके क्या हैं, रिएक्टेंट. तो अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा, यही बनेगा. ये क्या है, किसी भी, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स या फिर रिएक्टेंट्स के विद रिस्पेक्ट में लिखते हैं. जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ, मान लो आपको कोई रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. ठीक है, मान लो मैं लिखना चाहती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना चाहती हूँ, तो उसको हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स लिखा जाता है. ठीक है, मान लो मैं लिख रही हूँ डी ए ले लिया मैंने, रिएक्टेंट ए की टर्म्स में मैं लिख रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, -dA/dt इसको मेंशन करूँगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा रीज़न ये है, यहाँ पर हमने माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमने रिएक्टेंट्स को लिया है. रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है, रिएक्टेंट्स की आपको बात याद रखनी है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो हमेशा क्या करती है, हमारी डिक्रीज़ करती है. जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती है, इसलिए उसके आगे हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन. माइनस का साइन ये कहता है कि रिएक्टेंट्स की जो रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन हो क्या करती है, यहाँ पर डिक्रीज़ करती है. रेट ऑफ रिएक्शन जब जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर प्रोडक्ट्स के विद रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं, प्रोडक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, पी है, पी हमने मान लिया प्रोडक्ट हमारे पास है, तो यहाँ लिखेंगे +dP/dt यहाँ पर मेंशन करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, +P लिखा है. ठीक है, इसलिए रिएक्टेंट्स की टर्म्स में लिख दिया हमने और एक प्रोडक्ट की टर्म्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर मेंशन कर दिया है. ठीक है, अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई आपको, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ जितने भी आपके रिएक्टेंट्स होते हैं. ठीक है, जो भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है, जैसे आपको रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या गिवन आपको, के है, ए रेज टू पावर स्केयर है, बी रेज टू पावर 3/2 है, एंड देन सी रेज टू पावर -1/2 है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज सम ऑफ ऑल सुपरस्क्रिप्ट, सम ऑफ ऑल सुपरस्क्रिप्ट, इसको मैं कहीं और लिख देती हूँ, ये क्या पावर थी, -1/2 था, ये क्या थी हमारे पास, -1/2 थी इसकी पावर, ठीक है, सी की. तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना चाहती हूँ तो वो होती है हमेशा सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट होती है ऑफ रिएक्टेंट्स, जो भी आपको रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं.
बात यहाँ पर ये याद रखनी है, जो भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाता है, ठीक है, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, तो जो भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाता है उस रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपके पास कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है, ए का स्केयर है, फिर बी रेस्ट पावर 3/2 है, एंड देन सी आपके पास क्या -3/2 है, -1/2 सॉरी। तो ये जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनके सुपरस्क्रिप्ट जो होते हैं उनका आपने सम करना है, दैट इज़ और ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया, ऑर्डर में क्या करना है आपको, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, उन सुपरस्क्रिप्ट में ए के सुपरस्क्रिप्ट में क्या है, 2 है, बी के सुपरस्क्रिप्ट में क्या है, 3/2 है, ठीक है, और इसमें क्या है, सी में क्या है, -1/2 है। तो इन सुपरस्क्रिप्ट का हमें सम करना है, ठीक है, हो गया आसान ट्रिक, आसान गया, तो बिल्कुल मैकेनिज्म में ऐसे ही निकालते हैं हम, ठीक है। तो जितने भी सुपरस्क्रिप्ट्स गिवन होते हैं उनका आप सम अप कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप मेंशन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में क्या आया आपका, तो यहाँ पर ए रेस्ट पावर आपके पास क्या है, 2, बी रेस्ट पावर क्या है हमारे पास, 3/2, एंड देन सी रेस्ट पावर क्या है, -1/2। सम करे हुए इनका, ए रेस्ट पावर 2 प्लस 3/2, ठीक है, प्लस -1/2, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो विल बी द सी विल बी द आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, एक रिएक्शन हमें प्रोवाइड किया गया है, रेट ला डेरिवेशन है हमें दिया गया है, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है, मतलब रेट ऑफ, एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 2A प्लस में 3B है, 2A प्लस में 3B इज इक्वल टू में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इसमें ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया है हमें, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया है। तो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको पूछा गया है। एक बात मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने क्या कहा था कि जो भी आपका रेट ला होता है, जो भी आपको रेट ला दिया गया है, उस रेट ला में आपको क्या करना है, जो आपके सुपरस्क्रिप्ट होते हैं, आपके क्या होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट जो होते हैं किसके, ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स के, जो भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म है उनके सुपरस्क्रिप्ट का आपने एडिशन करना है, यू विल गेट योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो भी आपको रेट ला इक्वेशन दी गई है उस रेट ला की इक्वेशन में आपको क्या करना है, उसके जो सुपरस्क्रिप्ट है, जैसे ए रेस्ट पावर क्या है, हाफ आपके पास, और बी रेस्ट पावर आपके पास क्या है, 2, तो ये आपके क्या है, सुपरस्क्रिप्ट हाफ है और बी का आपका 2 है सुपरस्क्रिप्ट, तो इन दोनों का आपने एडिशन करना है, यानी हाफ प्लस में क्या है आपके पास, 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी योर 5/2 आपके पास हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज़ योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिल गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या था, हमने जो सुपरस्क्रिप्ट होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट ए का सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ हाफ, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट जो होते हैं वो हमेशा उसकी छत पे होते हैं, जैसे ए रिएक्टेंट स्पीसीज है, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के सिर पे, छत पे क्या है, हाफ लिखा होता है, दैट विल बी सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे लिखा होता है, बॉटम पे जो लिखा होता है, वो हमेशा क्या होता है आपका, सबस्क्रिप्ट होता है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया हाफ, और बी रेस्ट पावर के हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस में हाफ कितना होगा, 5/2, तो 5/2 यहाँ पर आ गया हमारे पास, यानी 2.5 हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। तो 2.5 ढूंढ लो किसमें है, 2.5 सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें 2.5, तो ये आपका आंसर होगा। अब मोलिकुलरिटी निकालना भी सीख लो, मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, मोलिकुलरिटी मैं आपको बता देती हूँ मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं। देखो, मोलिकुलरिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रिएक्शन में, ठीक है, ये आपकी होती है मोलिकुलरिटी। तो आप रिएक्टेंट की स्पीसीज देख लीजिए कितनी है, ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड में देखना, सिर्फ जब भी मोलिकुलरिटी निकालनी है तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपको क्या देखने हैं, इसमें हमेशा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपको देखने हैं, तो ये हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, मोलिकुलरिटी आपकी हो जाएगी हमेशा। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो 2A हमारे पास है, प्लस में हमारे पास क्या है, 3B हमारे पास है, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 रिएक्टेंट्स हो जाएगी, यानी 5 हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर मोलिकुलरिटी, तो दिस विल बी द आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि देखो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो होता है वो क्या होता है, जब एक्चुअल रिएक्टेंट्स जितने पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में वो बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। मोलिकुलरिटी आपके सिर्फ ये बताती है कि कितने रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं, उसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी, ठीक है। लेकिन जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, ये एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जितने एक्चुअल
जितने एक्चुअल आपके रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक्चुअल रिएक्टेंट जितने आपके पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, उसको बताती है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताती है, कितने एक्चुअल रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। और मोलिकुलरिटी जो है सिंपल ये बताती है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने लिए हैं रिएक्शंस करने के लिए। अदर ये वो रिएक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब भी आपको रेट लाइक्स में, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट लॉ ऑफ इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन एन टू प्लस में 3H2 लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, की फॉर्मेशन हो रही है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में दिया गया। ठीक है, एन टू एस टू आपको प्रोवाइड किए गए यहाँ पे। इसने क्या पूछा है, रेट लॉ इक्वेशन आपको लगाना है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लगाना है और रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब रेट लॉ इक्वेशन जब भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो जब भी आपको रेट लॉ इक्वेशन प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपको स्मॉल सी ट्रिक याद रखनी है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जो भी आपके पास रिएक्टेंट रिएक्टेंट के हैं, एन टू प्लस में 3H2 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू अमोनिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। आपके जो रिएक्टेंट स्पीसीज आप उनका इन्वर्स ले लीजिए। और रेट ऑफ रिएक्शन आपको हमेशा लिखना ही आता है, कैसे लिखोगे इसको, माइनस DN2 डिवाइड बाई DT, अब इसकी 1/3 DH2 डिवाइड बाय DT। जो भी आपके यहाँ पर क्या है, जो भी आपके कोफिशेंट्स होते हैं, कोफिशेंट्स पे आपने ध्यान रखना है। जैसे N2 का कोफिशेंट क्या है, 1 है। H2 का कोफिशेंट कितना है, 3 है। तो 1/3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। 1 कोफिशेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, आप क्या लगा दोगे, कोफिशेंट आप लगा दोगे। ठीक है, तो 1/3 आपका हो जाएगा। वैसे ही NH2 जो है, अमोनिया जो आपके पास कितने हैं, 2 हैं, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 अमोनिया हो जाएगा। यानी इसको मैं कैसे लिखूं, दोबारा से लिखती हूँ इसको। ठीक है, हमारे पास क्या है, N2 प्लस में 3H2 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू अमोनिया, हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है। आपको करना क्या है, एक तो सबके विद रिस्पेक्ट में आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिख देना है, सबके विद रिस्पेक्ट। जैसे ये आपके क्या है, रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, तो इनके आगे माइनस का साइन लगेगा। आपके पास ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसके आगे प्लस का साइन लगेगा। तो आपको चेंज करना है, चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज माइनस में DN2 डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू DH2 डिवाइड बाई D2 इज इक्वल टू D अमोनिया, अमोनिया ये, ठीक है, इधर 1/DT। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज करें, दैट इज़ D/DT क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट है। यहाँ पर माइनस का साइन हमने लगाया क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज होती है। प्रोडक्ट्स के आगे हमने क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया। अब जो इनके आगे कोफिशेंट्स लगे हुए, जो इनके आगे ये कोफिशेंट क्या लगा है, 2, 3 लगा है, और यहाँ पर कोफिशेंट हमारे पास 1 है, तो इसको हमने क्या कर देंगे, 1/1 कर देंगे, और इसको 1/3 कर देंगे। मतलब जो भी कोफिशेंट आपने उसका क्या कर देना, इन्वर्स कर देना। ठीक है, जो भी आपके पास कोफिशेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उन कोफिशेंट का आपने इन्वर्स कर देना है। जैसे 1/1 N2 के आगे क्या है आपके पास, 1 प्रेजेंट, तो 1/1 हो जाएगा। इसका कोफिशेंट कितना आपके पास, 3 है, तो 1/3 हमने कर दिया। अब अमोनिया के कोफिशेंट कितने हैं आपके, 2 है, तो 1/2 आप इसको कर देंगे। सो दिस इज़ योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपने सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करना। आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए सबका, जो भी कोफिशिएंट है उसका आप इन्वर्स कर दीजिए। सो दिस विल बी योर आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा मैच करता है, बी मैच करता है, माइनस DN2 अपॉन DT 1/3 DH2 अपॉन DT इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस का साइन आपने ध्यान रखना, दोनों का आगे माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में पूछा है। शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बताइए कौन सा है, उसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट इज एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब भी आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं, तो उसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है आपका, एस्टर पे डिपेंड करता है। एक तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन एस्टर पे डिपेंड करता है, एक आपका एच पॉजिटिव आयंस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस जो हैं वो फॉल्स रिएक्शंस होते हैं। हमें लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, देखो इस रिएक्शन को मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, इस रिएक्शन में देखने से हमें क्या लग रहा है, रेट लॉ इक्वेशन देख कर हमें पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन एस्टर पर भी डिपेंड करता है और रेट ऑफ रिएक्शन एच पॉजिटिव आयंस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल जो हमारे पास एस्टर दिया गया है, एस्टर जो है उसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। जैसे मैं इसको कहीं और मेंशन कर देती हूँ, रिएक्शन क्या है कि हमें एस्टर दिया गया है, दिस इज़ योर एस्टर, और इसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी।
क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, साथ में यहाँ से इथेनॉल निकलता है मेरे ख्याल से, इथेनॉल निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से रेटला इक्वेशन जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया, रेटला इक्वेशन को देखकर हमें ये पता चला रेट ऑफ रिएक्शन किस पे, एस्टर पे डिपेंड कर रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इससे हमें यही पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, दैट इज़ योर एस्टर। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके अगर मैंने ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट का मींस क्या होता है, कंसंट्रेशन, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ दैट मींस दिस इज़ योर कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ योर काइनेटिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एस्टर पे डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिवर्सल रिएक्शन। मीन्स रेटला इक्वेशंस को देखने पे हमें ऐसा लगता है कि दिस रिएक्शन शुड बी योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एस्टर पे डिपेंड कर रहा है और एच पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन, दिस शुड बी योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है हमारे पास क्या है, टू है। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, टू है, क्योंकि एक इसका है और एक इसका है। सुपरस्क्रिप्ट क्या है इसका, एक वन है, एक इसका सुपरस्क्रिप्ट क्या है, वन है। एच पॉजिटिव और एस्टर का सुपरस्क्रिप्ट क्या है, वन वन है। वन वन को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ऑर्डर, टू आ जाएगा। टू अगर किसी का ऑर्डर होता है तो उसको सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर वन होता है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जीरो है तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारा सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें मिलता है दैट विल बी योर फर्स्ट ऑर्डर मिलता है। तो हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है, एक्चुअल की हम बात करें, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है इसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका रियल वाला है। तो रियल में ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर का है, इसलिए इसे बोलते हैं फॉल्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हमें अपीयर सेकंड ऑर्डर होता है, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है हमारा, मतलब ये रिएक्शन कैसा है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए इसे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से कहा जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपके पास दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 75% ऑफ द रिएक्शन। दैट मीन्स आपका जो रिएक्शन है, पहले जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का हम क्या लिख लेते हैं, रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। ए जो है वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, टाइम अभी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए नॉट कंसंट्रेशन हो जाएगी रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी हमारी। जब टाइम टी हो जाएगा हमारे पास, तो इसकी कंसंट्रेशन ए टी हो जाएगी, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन बन जाएगी, दैट मीन्स एक्स इसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि टाइम कैसा है हमारा, 75% है। ये टाइम हमारा क्या है, 1/4 है, टी बाय 1/4 एक चौथाई। ठीक है, तो 75% हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स 75% टाइम कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन का। ठीक है, सिर्फ 25% हमारा रिएक्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पर इसने बोला है, जब 75% हमारा रिएक्शन हो गया है, तो उस टाइम पे जो 75% हमारा टाइम हो गया है एक रिएक्शन को होते हुए, उस टाइम पे हमारा ये क्या पूछा है इसने कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया, टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट, मतलब रिएक्शन जब हमारा 75% हो जाएगा तो उसको वो कितने टाइम में होगा, ये आपसे टी पूछा गया है यहाँ पर। आपसे क्या पूछ रहा है, ये टी आपसे पूछ रहा है कि टाइम बताओ कितने टाइम में 75% रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा। तो उसका मैं सीधा सा आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है, इसमें आपने कोई ट्रिक्स विक्स नहीं लगानी यहाँ पर। तो टी जब जब आपका टाइम 1/4 हो जाएगा, तो दैट विल बी योर डबल ऑफ योर टी हाफ हो जाएगा। तो ये टी हाफ का क्या हो जाएगा, हमेशा डबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो दिस विल बी योर टी क्वार्टर टाइम। ठीक है, तो टी क्वार्टर टाइम, और जब आपका 75% टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टाइम पे टी हाफ जो है टी क्वार्टर से कैसे रिलेटेड होता है, तो ये आपका टी क्वार्टर होता है जब आपका 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये आपका हाफ टाइम है 50% रिएक्शन जब कंप्लीट होगा। ये इस तरह से आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास सिर्फ सी है, तो सी हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टी 75% इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में टी हाफ, यानी 75% रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो टाइम हमारा डबल हो जाएगा, हाफ टाइम का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो,
एक रिएक्शन आपको दिया गया, जिस रिएक्शन में क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ई ए आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है और ई बी आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ई ए जो है वो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, आपकी किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है आपके पास, ठीक है। और ई बी जो होती है वो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, आपकी क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए होती है। और इसने ये भी मेंशन किया है कि ई ए जो है वो हमारी ज़्यादा है देन ई बी से, ठीक है। दैट मीन्स इस रिएक्शन में जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। दैट मीन्स रिएक्शन को करवाना है तो आपको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये एक रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। दैट मीन्स आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हीट क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जिस रिएक्शन में आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है वो कौन से रिएक्शंस होते हैं आपके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्योंकि जो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, आउट होती है। मतलब रिएक्शन में से हीट हमेशा बाहर आती है। एंडोथर्मिक में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, रिएक्शन को हीट, रिएक्शन जो हो रहा है हमारा उस सिस्टम को हमें हीट देनी पड़ती है, वो हमारा एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ हमारा, एंडोथर्मिक, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमें हीट को क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा आपका ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर विल बी योर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो रिएक्शन आपका कैसा हो जाएगा, दिस विल बी योर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, एक बार मैं हाफ टाइम जो होता है जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर अगर कहीं पर लिखा होता है दैट मीन्स उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आपके पास जीरो है। इसलिए किसी का भी ऑर्डर अगर जीरो होता है दैट मीन्स वो रिएक्शंस कौन से होते हैं हमारे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं वो हमारे, क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अगर किसी का भी ऑर्डर हमारे पास वन होता है तो वो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा। अगर किसी का भी ऑर्डर हमारे पास टू होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमारे पास क्या है, ये कौन सा रिएक्शन हमारे पास है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा गया है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम पूछा गया है। तो जीरो ऑर्डर का मैं हाफ टाइम यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, जीरो ऑर्डर का, ठीक है। ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने जीरो लिख दिया इसके पाँव में। तो जीरो ऑर्डर का हाफ टाइम आपसे पूछ रहा है, दैट इज़ ए डिवाइड बाई टू के नॉट होता है। के नॉट इसीलिए लिखा है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है, टी हाफ इज इक्वल टू में ए बाई में टू के नॉट होता है। दैट मीन्स जो आपका टी हाफ होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ए, दैट इज़ योर कंसनट्रेशन। इसको आप ए भी लिख सकते हो, छोटा ए भी लिख सकते हो, बड़ा ए भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज़ योर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती है, ठीक है। तो ये क्या है, टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ए, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो दैट विल बी आंसर विल बी योर ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, टी हाफ ऑफ रिएक्शन अगर हम डबल करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वही पूछ रहा है, ठीक है। टी हाफ ऑफ रिएक्शन का हमने क्या कहते हैं, डबल कर दिया है एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं तीन चीज़ें यहाँ पर ड्राइव कर रही हूँ, मैं रेट ऑफ रिएक्शन मैंशन कर रही हूँ। अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तब क्या चेंज आएगा, ठीक है। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या लिख दिया ये, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तब क्या चेंज होगा, आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तब क्या चेंज होगा, ये मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। जब कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो कैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आपको जीरो दिया है, फर्स्ट दिया है, सेकेंड दिया, तब क्या होगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर क्या है, जीरो ऑर्डर को पढ़ लेते हैं कि जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन होता है के होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता है, ए होता है, और ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू के ए के इक्वल, सॉरी के इक्वल हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ए रेज टू पावर जीरो है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। अब ये क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए था, फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा, रेज टू पावर हमारे पास वन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट रेज टू पावर वन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो हो जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, कि ए हो जाएगा, रेज टू पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब आप इनकी कंसंट्रेशन चेंज कीजिए, ठीक है। अब हम जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, कि जीरो ऑर्डर जो हमारे पास रिएक्शन है यहाँ पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, डबल कर दी है। खुद ही पूछा है कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जब हम कंसंट्रेशन इनिशियल का डबल कर देंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, ए कंसंट्रेशन है इनिशियल। अब हमने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब ए को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, डबल कर दिया, टू ए बना दिया हमने उसको, ठीक है। जब हमने कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा,
हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे कंसनट्रेशन को, क्योंकि हमारी कंसनट्रेशन डबल हो गई है, तो इसी रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे, टू लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो देखो एक बार आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हमें क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर है हमारे पास, इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन हमारे पास है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें यहाँ पर गिवन होता है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया है। ऐसे टू भी नहीं दिख रहा अच्छे से, एक मिनट रुको, इसको मैं रब ही कर देती हूँ पूरे को, फिर से लिख देती हूँ इसको। ठीक है, टू ए मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो इनिशियल जो हमारी कंसंट्रेशन थी उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल हमने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ट्वाइस कर दिया। अब इस कंसंट्रेशन को फिर से लिखोगे, हमारे पास क्या आएगा, इसके ऊपर तो पावर जीरो है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। हम क्या बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करें, वन बाई वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन में दिया गया है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बाहर निकल लिख सकते हैं। एरे पर हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो है, तो यहाँ पर जो हमारे पास टू था, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास टू ए नॉट है, ऊपर ऊपर क्या नॉट है, ये हमारे पास वन ही रहेगा हमेशा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास अनअफेक्टेड रहेगा आर नॉट का, क्योंकि पहले भी हमारे पास के इक्वल था और अब भी हमारे पास क्या है, के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन रेस्ट पावर जीरो है। दैट मीन्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसका सुपर स्क्रिप्ट ना ही वन है, ना ही टू है, ना ही थ्री, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे आप कंसंट्रेशन ट्वाइस कीजिए, थ्राइस कीजिए, फोर्थ कीजिए, कितने टाइम्स आप कंसंट्रेशन बढ़ाइए, लेकिन कंसंट्रेशन रेस्ट पावर हमेशा जीरो रहेगा, यानी आपकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट पावर जीरो है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तभी तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो उसका ऑर्डर ही जीरो है, उसका सुपरस्क्रिप्ट ही क्या है, जीरो है। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, चलेंगे अब हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन था ये, के ए रेस्ट पावर वन था हमारे पास। अब कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी है, कंसंट्रेशन अगर हम डबल कर देंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर हम क्या कर टू को बाहर निकालेंगे, टू ए हो जाएगा हमारे पास, ए रेस्ट पावर वन है ही हमारे पास, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो गया। देखो कंसंट्रेशन, पहले हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन, ध्यान से देखो, पहले कंसंट्रेशन हमारे पास थी ए रेस्ट पावर वन थी, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है। अब कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। कंसंट्रेशन को जब हम डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा डबल हो गया। इसको हमने इनिशियल जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आप उसको लिख दीजिए, ठीक है, टू का आप बाहर निकाल दीजिए और के ए इसको लिख दीजिए, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, आपका डबल हो गया है प्रीवियस का। ये आपका क्या है, के ए है, और ये आपके पास क्या होगा, डबल हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाता है अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। आपका कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन यही बोला है, हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन अगर आप डबल करते हैं, तो ये तो आपको मैंने सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दिया है। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप इसको बताइए। ये आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ये मैंने जो सिंपल आपको एक्सप्लेन किया है, दैट इज़ मैंने सिंपल रेट ऑफ रिएक्शंस में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। ऐसे आप सेकेंड ऑर्डर का निकाल देंगे, जब आप सेकेंड ऑर्डर का निकालेंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा के ए के, वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से इसको हम यहाँ पर निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे आपसे किस बारे में पूछ रहा है, ये आपसे हाफ लाइफ टाइम के बारे में पूछ रहा है। जो मैंने आपको बताया है वो रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स में बताया है, तो आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में पूछा जाता है कंसंट्रेशन का और रेट का जो रिलेशन होता है, अगर आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछा जाता है तो आप उसको उस तरह से स्टडी आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टी हाफ के टर्म्स में पूछा है तो हम टी हाफ के टर्म्स में ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड करेगा। मैं एक बार ना टी हाफ लिख रही हूँ सभी रिएक्शंस के, जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के, इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म्स में यहाँ पर मैं आपको लिख ही दे रही हूँ। ठीक है,
तो अगर आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, ज़ीरो ऑर्डर का टी हाफ मैं लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लगाया, ज़ीरो लगाया, दैट मीन्स ये टी हाफ होगा फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट इज़ योर डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की जो आपकी कंसनट्रेशन उसके रेस्ट पावर वन होता है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का आपसे पूछा जाता है, ये आपका किस चीज़ का है फर्स्ट ऑर्डर, इसका जो मैं लिख देती हूँ एक बार इसके ब्रैकेट के बाहर लिख देती हूँ तब आपको क्लियर रहेगा, ठीक है, टी हाफ बाहर मैं इसका ऑर्डर लिख देती हूँ, ये इजी रहेगा आपको समझना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ ए। अगर आपको टी हाफ दिया है फर्स्ट ऑर्डर का, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर ज़ीरो। अगर आपको दिया है टी हाफ फॉर द सेकेंड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए रेज पावर माइनस वन, माइनस वन हो जा। फिर आपके पास है टी हाफ थर्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए रेज पावर माइनस टू। अब ये जो मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप लिखा है, यहाँ से आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, इसको देखो, ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है ये, हमारा ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए रेस्ट पावर क्या हमारे पास वन पावर है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस्ट पावर ज़ीरो है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए रेस्ट पावर माइनस वन, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और थर्ड ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ ए स्केयर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये आपको अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आपको, जो आपका ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है वो आपका कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका क्या है ये कंसनट्रेशन के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर आप टी हाफ टाइम है या फिर जो आपकी कंसनट्रेशन है उसको आप डबल करेंगे तो आपका टी हाफ टाइम भी आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बाकी सब में क्या है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ है वो डिपेंड ही नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बिल्कुल ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही तो बोला गया, क्या बोला गया कि अगर आप टी हाफ को डबल करेंगे, यानी आप टी हाफ टाइम को अगर आप डबल करते हैं, टी हाफ टाइम आपका क्या क्या बोल रहे हैं, टी हाफ टाइम आपका डबल हो जाता है जब आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, यानी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन। अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो आपका टी हाफ टाइम जो वो भी आपका डबल हो जाएगा, ये किसने कहा है क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, और ये सिर्फ हमारा ज़ीरो ऑर्डर में ही पॉसिबल है, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर का जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसका जो हाफ टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन होता है। अगर आप कंसनट्रेशन को डबल करेंगे तो हमारा टी हाफ जो होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ये ऐसा कौन सा रिएक्शन हमारे पास होगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा, तो दिस विल बी योर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो आपका टी हाफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आपके पास क्या है, एक अरहेनियस इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ के इज इक्वल टू में ए रेज पावर में ए माइनस में आर टी आपका हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन है के इज इक्वल टू में ए माइनस में ई ए अपॉन में आर टी, आपके पास ये जो आपको इक्वेशन दी गई, इसको ध्यान से देखो, इसमें जो आपका के है दैट इज़ योर इफेक्टिव कोलिजन, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन इसे कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या इफेक्टिव कोलिजन इसे कहा जाता है। और ए क्या है आपके, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ए क्या है आपके, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। ई ए आपके क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, ई ए आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास हो जाएगी। और आर आपका गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन क्लियर हो गया आपको, इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन ये बता रही है के जो होता है वो रेट कांस्टेंट भी होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज इफेक्टिव कोलिजन इसे कहा जाता है, इज इक्वल टू में ए, ए जो है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी फैक्टर भी इसे कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इसे कहा जाता है। ई ए आपकी क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, दैट इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई आर टी, आर क्या आपका गैस कॉन्स्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है। तो इस इक्वेशन में ये क्या पूछ रहा है, इस इक्वेशन में पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेट, तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपसे पूछ रहा है इसमें,
ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो ध्यान से, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ एक बार। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर हेयर। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस टर्म को कन्वर्ट कर देंगे इनटू लॉगरिथम के टर्म्स में, इसको हम क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। लॉगरिथम के जो हमारे पास टर्म्स होती है उसमें हम इसको क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या है, कलर का है, के इज इक्वल टू क्या हमारे पास ए है, ई रेस्ट पर माइनस ई ए अपॉन में आर टी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू लॉगरिथम के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर आप एलएन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, एक ही बात है, आप इसको एलएन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। एलएन के इज इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा, एलएन ए हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ, तो एल एन क्या हो जाएगा आपका, एल एन के हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एल एन ई हो जाएगा आपका, माइनस में ई ए अपॉन में आर टी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एल एन ई जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, वन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी आपका हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर प्लॉट करते हो, आप इसको लॉगरिथम के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एल एन को आप मल्टीप्लाई कर देना 2.303 से, तब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, लॉग के आ जाएगा आपका यहाँ पर, इजिकल टू में लॉग ए आ जाएगा आपका यहाँ पर, माइनस में ई ए अपॉन में आर टी आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अपॉन में आर टी हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 2.303 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर आपको यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो ये ए क्या है आपके पास, ए क्या रहेगा आपका, इंटरसेप्ट रहेगा। ठीक है, ए क्या रहेगा, सिंपल आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर आप ध्यान से याद कर सकते हो तो उसको आप याद कर सकते हैं। अगर हम प्लॉट बनाते हैं इसका, लॉग के का या फिर एल एन के का अगर हम प्लॉट बनाते हैं, जैसे आपको लॉगरिथम में दिया गया है इसमें, तो आप लॉगरिथम के टर्म्स में देख सकते हैं इसको, एल एन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल एन लॉगरिथम के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो लॉग के है हमारे पास, और इक्वेशन लॉग ए में गिवन हमें। ठीक है, लॉग ए जो ये लॉग ए है, एल एन ए उसको मैं अभी एल एन ए में समझ लो, क्योंकि मैंने इसको इसी में फॉर्म्स में लिखा है। ठीक है, तो एल एन के का अगर हम प्लॉट बनाते हैं 1/t के साथ प्लॉट बनाते हैं, दैट इज़ हमारे पास क्या है, 1/t, 1/t के साथ अगर हम प्लॉट बनाते हैं तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिल जाएगी, समझ रहे हो। मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, एल एन के इज इक्वल टू में एल एन ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी हमारे पास आ जाएगा इसमें। तो आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, देखो एल एन के का आपने क्या बनाना है, प्लॉट बनाना है, एल एन के वर्सेस में आपको क्या बनाना है, 1/t, 1/t के साथ आप प्लॉट बनाएंगे, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा इज इक्वल टू में हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, एम एक्स प्लस में सी हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एल एन ए है वो क्या है, हमारे पास सी है, दैट इज़ इंटरसेप्ट हमारे पास होता है, एम एक्स हमारे पास यहाँ पर ये है। ठीक है, स्लोप में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 1/r हमारे पास है दैट विल बी और स्लोप हो जाएगा हमारे पास। तो ये ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा, ग्राफ में मैं आपको बता देती हूँ, ग्राफ हमारे पास ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग प्लॉट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर बना देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ग्राफ हमारे पास ऐसे बनेगा, डिक्रीजिंग प्लॉट होगा, दैट विल बी हमारे पास एल एन के का हम प्लॉट बना रहे हैं, वर्सेज में किसके बना रहे हैं, 1/t के हम प्लॉट बना रहे हैं। ठीक है, तो 1/t के हम यहाँ पर प्लॉट बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग प्लॉट हमारे पास हो जाएगा। ओह माय गॉड, इसको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, देखो ऊपर लिख देती हूँ मैं, आपको ये समझ में आ गया कि ये हमारे पास क्या, स्ट्रेट लाइन प्लॉट हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास क्या, स्ट्रेट लाइन प्लॉट है। अब इसको आप लॉगरिथम के में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉगरिथम के में इसको मल्टीप्लाई करके 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर देना, तब आपके पास क्या आ जाएगा, लॉगरिथम के आ जाएगा। तो 2.303 लॉग के आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपको, इसको आगे लिख देना, माइनस ई ए अपॉन में आर टी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉग के हो जाएगा, लॉग ए आपके पास हो जाएगा।
इसको आप समझ लेना यहाँ पे क्या आपका लॉग ए है आपका, ठीक है। लॉग ए जो है इसको आप 2.303 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लॉग के है इसका हम प्लॉट बना रहे हैं 1/t के साथ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1/t, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये 1/t आपके पास है। यहाँ पर 1/t के साथ हमने लॉग के का प्लॉट बनाया, तो लॉग के का हमने क्या बनाया है वर्सेस में 1/t के साथ हमने प्लॉट बनाया। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिल जाएगी प्लॉट में, प्लॉट में हमें क्या मिल जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिल जाएगी किसका प्लॉट है लॉग के वर्सेज में 1/t का हमने प्लॉट बनाया है। तो ये जो डिक्रीज है हमारे पास, क्योंकि हमारा स्लोप जो है वो कैसा है हमारा नेगेटिव स्लोप है, स्लोप कौन बताएगा यहाँ पर माइनस का आर है हमारे पास, माइनस का आर जो है वो हमें क्या बताता है स्लोप को बताएगा, तो माइनस आर हमारा स्लोप बताएगा। और जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर ln a हमारे पास है, यानी लॉगरिथम a जो है वो हमारे पास क्या है इंटरसेप्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा c हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है। आप ln a में भी इसको स्टडी आउट कर सकते हैं, वेरी इजी रहेगा। लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो आप इसको इजीली 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये तो सीधा ही सेकंड ऑर्डर का प्लॉट पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। सेकंड ऑर्डर का प्लॉट मैं आपको सीधा ही बता दे रही हूँ कि सेकंड ऑर्डर का प्लॉट अगर आपको निकालना है तो क्या होना चाहिए। तो उसका जो सेकंड ऑर्डर का प्लॉट होता है उसमें जो आपका टाइम होता है, टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए रेस्ट पावर माइनस में ए माइनस में एक्स जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लॉट देखें वन माइनस ए माइनस में एक्स के साथ आप हमेशा प्लॉट देखेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कि आपके पास कंसंट्रेशन में एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये प्लॉट हमें जो दिया गया है उसका हम क्या लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के टू टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई में ए हो जाएगा और ए माइनस में एक्स हमारे पास हो जाएगा, ये होता है हमारे पास। यानी जो आपका टाइम होता है, ये जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दैट इज़ टाइम, टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स होता है। आप इस प्लॉट में आराम से देख सकते हैं कि जो आपका टाइम होता है यानी जो आपका टी होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस में एक्स होता है। तो चारों प्लॉट में सिर्फ आपको यही प्लॉट देखना, आप टी का प्लॉट बनाएंगे ए माइनस में एक्स इन्वर्स ऑफ ए माइनस एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो टी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू सी टी, सी टी भी इसको ये लिखा जाता है कंसनट्रेशन एट एनी टाइम टी जो होता है उसको हम ए माइनस में एक्स उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो अगर आप प्लॉट देखेंगे ध्यान से तो आपके पास क्या मिलेगा, प्लॉट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो टी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू सी टी या फिर टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस में एक्स, और इसका प्लॉट हमारे पास यही है, सिर्फ टाइम है और इंक्रीजिंग प्लॉट होगा क्योंकि आपका जिसमें इंटरसेप्ट भी प्रेजेंट होगा, और दूसरी बात आपका रेट ऑफ फ्रैक्शन हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लॉट जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा सी वाला प्लॉट आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो आपको जो यहाँ पर कंसंट्रेशन दी गई है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी दी गई आपको, आपको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी है, इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो देन के इज इक्वल टू के क्या आपका रेट कांस्टेंट जो आपने रहने इस इक्वेशन पढ़ी थी के इज इक्वल टू में ए माइनस में ए अपॉन में आर टी आपके पास होता है। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इन्होंने कितनी दी है जीरो, जीरो को आप पुटअप कर दीजिए आपकी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो के इज इक्वल टू में ए हो जाएगा ई रेस्ट पर माइनस आपकी क्या है ये जीरो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास हो जाएगी डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा आर टी हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, डिवाइड बाय आपका आर टी है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ई रेस्ट पर माइनस जीरो है तो आप इसको नीचे लेकर जाइए तो ए रेस्ट पर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब किसी की पावर जीरो होती है तो आपका वन हो जाएगा, तो ये तो आपका वन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा के इज इक्वल टू में ए बचा आपके पास, ठीक है। यानी जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है अगर उसको हमने जीरो पुटअप किया है तो ये हमारा नीचे चला गया है, ठीक है। ये वन हो गया हमारा, तो के इज इक्वल टू में किसके आया हमारे पास ए के वाला, तो यही तो पूछ रहा है जब एक्टिवेशन एनर्जी को हमने जीरो किया तो आपका जो के है दैट इज़ रेट कांस्टेंट दैट इज़ योर इफेक्टिव कोलिजन। तो ये क्या बताता है आपका इफेक्टिव कोलिजन्स को बताता है, तो इफेक्टिव कोलिजन आपके किसके इक्वल हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स के ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जो आपके के जो है वो इफेक्टिव कोलिजन्स को एक्सप्लेन करता है और जो आपका ए है वो एक्सप्लेन करता है आपके टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को, ये हमने एक्सप्लेन किया था पीछे, फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर के इज इक्वल टू में ए हमारे पास आया है, ए जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, के हमारे क्या होते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं,
तो इफेक्टिव कोलिजन जो है वो किसके इक्वल हो गए, हमारे ए के इक्वल हो गए। तो ये यहाँ से हमें पता चला, दैट मीन्स अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी किसी की भी जीरो कर देंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, और सारे कोलिजन्स कैसे होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। तो आंसर विल बी योर सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।